मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ऑनलाइन क्लास कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल। दिस वीडियो इज क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड, लिटरेचर हिंदी साहित्य। क्लास थर्ड आपका थर्ड असेसमेंट के बाद ये आपका पहला चैप्टर है, पार्ट आठ, तितलियों की उड़ान। तितलियों की उड़ान आपका पार्ट आठ, तितलियों की उड़ान। ये पार्ट हम पढ़ने के पहले, समझने के पहले, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी का जीवन काल, कोई भी जीव होता है, प्राणी होता है, वो पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। इसी को हम उड़ान बोलते हैं, छोटे से बड़ा उड़ान। तो कुछ जीव छोटे में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन बड़े होकर वो सुंदर उतने सुंदर नहीं दिखते जितने सुंदर वो छोटे में होते हैं। जैसे गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा सभी ने देखा होगा, बकरी का बछड़ा जो कि छोटे होते कितने प्यारे होते हैं, आप भी उनको देख के एकदम खुश हो जाते हो। कोई भी होता है उनको उनके साथ बैठ के खेलने लगता है। लेकिन कुछ जीव होते हैं जो छोटे में नहीं सुंदर होते हैं, लेकिन बड़े होकर वो सुंदर होते हैं। उन्हीं जीव में से एक तितली जीव भी है जो शुरू में छोटे में बिल्कुल सुंदर नहीं होती, और जैसे जैसे ये बड़ी होती है वैसे वैसे उतनी ही सुंदर होती है। तो आप अब हम आप अपने पाठ पर आते हैं, तितलियों की उड़ान। तितलियों की उड़ान, जैसे ये आपकी क्लास थी, आप अभी तक क्लास आते थे तो क्लास में बैठते हो, न्यू स्टूडेंट्स आते हैं आपकी क्लास में, आप ही कहीं जाते हो तो न्यू स्टूडेंट्स सपोज करिए। तो जब नए बच्चे आते हैं तो कुछ बच्चे उसी दिन आके दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, परंतु कुछ बच्चे काफ़ी दिन लगाते हैं घुलने मिलने में। वैसी ही एक बच्चे इस पाठ में है, काव्या। काव्या एक हफ्ते से विद्यालय यानी पाठशाला जा रही थी, पर अभी तक उसने किसी से बात नहीं करी। इससे पहले वो कभी स्कूल यानी पाठशाला नहीं गई थी। वह सोचती थी कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो सब उस पर हंसेंगे, इस डर से वह किसी से बात नहीं करती थी। पाठशाला में उन्हें लैला दीदी पढ़ाती थी। आप विद्यालय आते हो, स्कूल आते हो, तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। जैसे हिंदी मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैथ गौरव सर पढ़ाते हैं या अदर टीचर पढ़ाते हैं, इंग्लिश कोई दूसरा टीचर, ईवीएस दूसरा टीचर। उसी तरह लैला दीदी इनको हिंदी पढ़ाती है, काव्या को। उन्होंने बच्चों से वादा किया था कि उन्हें पाठशाला के नज़दीक यानी पास में जो बाग है उसमें घुमाने ले जाएंगे। जैसे मैंने भी आपको बाहर स्कूल में आपके अंदर जो बगीचा है, बाग है, गार्डन स्कूल का है, उसमें मैंने आपको भी घुमाया है। उसी तरह ठीक लैला दीदी ने भी बच्चों से वादा किया था, तो उनको लैला दीदी को अपना वादा याद रहा। और वो जैसे ही कक्षा में आई उन्होंने कहा कि चलो बच्चों कतार में खड़े हो जाओ। कतार यानी पंक्ति, पंक्ति यानी लाइन, लाइन से खड़े हो जाओ, बाद में जाना है ना। लैला दीदी ने आवाज लगाई, सब बच्चे एक कतार में चलते हुए बाग में पहुंच गए। तो ये तो आप भी जानते हो, अगर आपको क्लास के बाहर जाना होता है, क्लास से बाहर निकलते हो, जैसे ही आपके गुड मैनर्स होते हैं कि आपको कहीं भी जाना है पंक्ति में जाना,
जाना होता है, जैसे आप लंच ब्रेक में जाते थे हैंड वॉश करने, आप गार्डन जाते हो तो आपको पंक्ति में जाना होता है, लाइब्रेरी जाते हो तो भी आपको लाइन में जाना होता है। इसी तरह ये बच्चे भी लाइन से बाहर पहुंच गए। सब बच्चे रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था बगीचा। कैसा होता है बाग, आप सबको पता है ना बाग कैसा होता है? रंग बिरंगे फूल होते हैं, घास होती है, अच्छी अच्छी क्यारियाँ होती हैं। तो बच्चे जब पहुंच गए वहाँ पर बाग में, रंग बिरंगे फूल थे। और फूल जहाँ होते हैं वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर तितलियाँ होती हैं। तितलियाँ रंग बिरंगी होती हैं। आप सबने तितलियों के बारे में तो जाना ही, देखा ही है, हर जगह आपको तितलियाँ मिल जाती हैं देखने को। तितलियाँ रंग बिरंगी होती हैं, उनकी बहुत से रंग होती है, अलग अलग उन पर आकृति बनी होती है जो बहुत प्यारी लगती है। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियाँ मंडरा रही थी, मंडरा रही थी मीन्स उड़ रही थी। अब तितलियों के रंग कैसे कैसे थे वो सुनिए। नदी के रंग वाली नीली तितलियाँ, नदी में क्या होता है पानी, पानी किस रंग का होता है? नीला। तो नीले रंग की तितलियाँ थी, धूप सी रंगत वाली पीली तितलियाँ। धूप कैसी होती है? पीले रंग की होती है, यानी तितलियाँ पीले रंग की थी। रसीले पपीते के रंग वाली नारंगी तितलियाँ, जो पका पपीता होता है वो किस रंग का होता है? नारंगी रंग का। तो तितलियाँ किस कलर की थी, रंग की थी? नारंगी रंग की। काले आसमान में टिमटिमाते तारों की सफ़ेद तितली। आस काले आसमान में तारे कैसे होते हैं? सफ़ेद। सफ़ेद तितलियाँ होती है। बच्चे बाग में तितलियाँ देख के खुश हो गए। आप भी तितलियाँ देख के एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, तितलियों के पीछे भागने लगते हो, तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते हो। ऐसे ही ये बच्चे भी तितलियों को देख के खुश हो रहे थे। तभी मैरी जोर से बोली, मतलब एक तो काव्या थी और दूसरी कौन थी? मैरी। मैरी ने जोर से बोला, आप भी जब कहीं होते हो बाहर गार्डन में आप गए थे विजिट करने घूमने, तो जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही थी तो आपके पास जो टीचर होता है उससे पूछते हो कि मैम ये क्या है। तो ये लोग भी अपनी मैम को दीदी बोलते थे। तो इन्होंने बोला, दीदी देखो इतनी सुंदर सुंदर तितलियों के बीच कैसा अजीब सा कीड़ा। कैसा अजीब सा कीड़ा? मतलब सारी तितलियाँ उनमें अजीब सा कीड़ा। दीदी ने देखा और मुस्कुराते हुए बोली, यानी टीचर का काम होता है कि आपकी सारी शंकाओं को, जो भी आपकी परेशानी है उसको दूर करना। तो वैसे ही दीदी लैला दीदी ने भी मुस्कुराते हुए बोला, मेरी ये अजीब सा कीड़ा इल्ली है। क्या है? इल्ली। क्या किसी को पता है इल्लियाँ बड़ी होकर क्या बनती है? किसने पूछा? दीदी ने, लैला दीदी ने। काव्या के पेट में कुलबुलाहट होने लगी। कुलबुलाहट की, कुलबुलाहट का मतलब क्या होता है? कुलबुलाहट मतलब होता है कि कुछ बात कहने के लिए उतावला होना। ये आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप क्लास में बैठे होते हो, टीचर कुछ पूछता है तो आपको उनका आंसर आता है तो आप कहने के लिए बार बार व्याकुल होते हो कि मुझे कहना है, मुझे कहना है, फिर आप हैंड रेस करते हो। तो वैसे ही काव्या के पेट में कुलबुलाहट होने लगी। उससे जवाब आता था लेकिन वह सोच रही थी कि बोले कि ना बोले। गहरी सांस लेके, मतलब अंत में उसने, काव्या ने हाथ ऊपर उठाया। जैसे आपको भी क्लास में कुछ बोलना होता है तो गुड मैनर होते हैं ना, कि आप हैंड रेस करते हो, हाथ ऊपर करते हो, फिर उसी तरह काव्या ने हाथ ऊपर उठाया और बोला, इल्लियां बड़ी
बन जाती है। इंडिया बड़ी होकर क्या बनती है? तितली। बिल्कुल सही जवाब, लैला दीदी ने कहा। और उन्होंने तितलियों के बारे में आगे बताना शुरू किया। तितलियाँ सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए इंडिया बनी रहती, मतलब तितलियाँ पहले वो जब जन्म लेती हैं सबसे पहले इल्ली बनती हैं। इल्ली यानी कुछ हफ्ते तक वो इल्ली बनी रहती हैं। इस दौरान यानी इस समय जब वो इल्ली बनी रहती है तो पूरे समय पत्तियां खाती रहती हैं, पूरे समय पत्तियां खाती रहती हैं। तब तो वे बहुत बड़ी हो जाती होंगी। मैरी ने पूछा कि पूरे समय अगर पत्तियां खाएंगी तो खूब मोटी हो जाएंगी। हाँ, खूब मोटी ताजी हो जाती है। खा खा कर मोटी ताजी होकर इंडिया पौधों के किनारे पर अपनी सुरक्षा के लिए एक खोल सा बना लेती है। जैसे आप इस चित्र में देखिए, ये आपकी इल्ली है। ये अगर आप पार्क में जाओगे, फूलों के पेड़ के पास देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए, जहाँ पर तितलियाँ होती हैं। इसको इल्ली कहते हैं। इल्ली ऐसे रहती है और ये पत्तियाँ खाती रहती है। पत्तियाँ खाकर धीरे धीरे अपना रूप बदलती है और अपने लिए एक खोल बना लेती है। खोल बना लेती है इसी तरह, और इस खोल के अंदर अपने आप को रखती है। खोल को ककून कहते हैं। ककून कहते हैं, लैला दीदी ने बताया। अच्छा बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है कि तितलियाँ फूलों पर क्यों मंडराती हैं? लैला दीदी ने पूछा। आप सबने भी देखा होगा कि तितलियाँ हर जगह उड़ती रहती हैं, लेकिन जहाँ पर फूल होते हैं वहाँ पर मंडराने लगती हैं, उस पर बैठ जाती हैं। तो दीदी, तितलियाँ फूलों पर इसलिए मंडराती हैं क्योंकि वे फूलों का पराग चूसती हैं। पराग मतलब, देखिए फूलों को अगर आप पास से देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे कण होते हैं, यानी धूल, जिसको रस भी कहते हैं। तो चूसती है। मैरी का हाथ पकड़ते हुए काव्या ने बताया। काव्या, तुम्हें तो तितलियों के बारे में बहुत कुछ पता है, लैला दीदी बोली। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, दीदी मुझे तितलियाँ बहुत पसंद है। मेरी चाची ने मुझे तितलियों के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि तितलियाँ देखने में छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती पर बहुत बहादुर होती हैं। काव्या की बातें सुनकर सभी बच्चों के चेहरे पर तितलियों के पंख, खुले पंख, तितलियों के खुले पंख कैसे होते हैं? ऐसे सारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान, यानी मुस्कान आ गई, फैल गई।